तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ, और ये कहानी है वेंडिगो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लगा लीजिए अपने हेडफोन। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आशीष ने बहुत महीनों बाद अपने घर के बाहर का नज़ारा देखा था, क्योंकि कई महीनों से उसके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसका जो देश था उसमें एक महामारी फैल रही थी, जिसकी वजह से कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। और जब वो महामारी कंट्रोल में आई तो लॉकडाउन को हटा दिया गया। लॉकडाउन हटाए हुए एक ही दिन हुआ था, आशीष बाहर निकला था ऑफिस जाने के लिए, तभी अचानक से उसकी जेब में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ। और जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो आशीष ने फ़ोन को निकाला और स्क्रीन चालू करके देखा तो एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज और कहीं से नहीं, एक न्यूज़ साइट से था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कुछ ही देर में उस देश के जो राष्ट्रपति हैं वो देश को कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे लाइव न्यूज़ चैनल पे। इसलिए जितने भी ऑफिसेज हैं और जितना भी काम है वो सब बंद कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जब आशीष ने ये मैसेज पढ़ा तो वो वापस अपने घर में चला गया। और जब वो घर वापस आया तब उसकी वाइफ ने आशीष से पूछा, क्या हो गया है, आप तो ऑफिस गए थे ना, तो वापस कोई दिक्कत वाली बात है क्या? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, ये तो महामारी ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। अब कह रहे हैं कि वापस लॉकडाउन बढ़ गया है और अभी प्रेसिडेंट आएंगे कुछ ही देर में लाइव, को कुछ बातें बतानी है उनको, देखते हैं क्या बताएंगे। और ये कहकर आशीष अंदर चला गया घर के और फिर न्यूज़ चैनल लगाकर सोफे पे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब राष्ट्रपति आएंगे लाइव और कुछ बातें बताएंगे। कुछ ही मिनटों बाद उस देश के राष्ट्रपति आए और उन्होंने न्यूज़ चैनल पर बताया, मैं सभी अपने प्यारे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि हमें इस महामारी से लड़ने के लिए आप सभी की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप इस महामारी से लड़ें, अपने जो कर्तव्य हैं उनको अच्छी तरह से निभाएं। हम ज़रूर इस महामारी को हराकर अपने देश को बचा लेंगे और जल्द से जल्द वापस दुनिया की रेस में सबसे आगे होंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आगे की बातें हमारे महान वैज्ञानिक बताएंगे। उसके बाद एक वैज्ञानिक लाइव आए और उन्होंने कुछ बातें बताई। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं साइंटिस्ट विक्रम आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है, लेकिन वो महामारी कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा जो भयानक महामारी है वो अब फैलने वाली है, जिसके अंदर इंसान बेकाबू हो जाता है और वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वो मार काट करने लगता है और वो आदमखोर भी बन जाता है। हमने कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनमें ये लक्षण नज़र आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बीमारी कहाँ कहाँ तक फैल गई है। अगर आपके घर के आसपास या कहीं भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे जिसकी आंखें लाल हो रही हों और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हों खून के, तब उससे तुरंत दूर भाग जाएं और हमें संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे। और ये कहकर वो साइंटिस्ट वहाँ से चले गए और वापस से प्रेसिडेंट ने बोलना शुरू किया, तो प्यारे देशवासियों, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, उसे नई महामारी से हमें लड़ना है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे, आप हमारी मदद करेंगे इस महामारी से लड़ने में। मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी से। ये कहकर प्रेसिडेंट भी चले गए और आशीष ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसका सर चकरा सा गया था। और फिर जब उसकी वाइफ ने आशीष को परेशान देखा तो आशीष से कहा,
क्या हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों हो गए? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, एक महामारी कम थी क्या, ये दूसरी भी आ गई है। ये एक महान साइंटिस्ट है हमारे देश के, विक्रम, उन्होंने बताया कि इस बीमारी में इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है और मार काट करने लगता है और वो वेंडिगो की तरह एकदम आदमखोर बन जाता है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि कब पीछा छूटेगा इन महामारियों से। और फिर आशीष की वाइफ ने कहा, अच्छा फिर तो हमें अपना और ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके जवाब में आशीष ने हाँ में सर हिलाया। और फिर आशीष की वाइफ ने कहा, मैंने ब्रेकफास्ट लगा लिया, आप खा लो, मैं आती हूँ कपड़े सुखाकर। और ये कहकर आशीष की वाइफ बालकनी में चली गई और कपड़े सुखाने लगी। कपड़े सुखाते सुखाते उसकी नज़र पड़ोस पे गई। पड़ोस के घर में एक आदमी था, वो काफ़ी बुरी तरह से खांस रहा था और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखों से भी लाल आंसू निकल रहे थे। और जब उसने ये देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने अपने पड़ोसी को चिल्लाकर कहा, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आप एम्बुलेंस में कॉल करिए। जिसके जवाब में उसे आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और वो खांसता रहा। जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आशीष की वाइफ वापस घर में चली गई और उसने आशीष से कहा, अरे ये जो हमारे पड़ोसी थे ना, वो पता नहीं अजीब तरीके से खांस रहे हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है और उनकी आंखों से भी। और जब आशीष ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और आशीष ने कहा, अब उस घर की तरफ देखना भी मत, अब वहाँ देखना भी मत, क्योंकि अब हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया हो, वो अब कभी भी कुछ भी कर सकता है। आशीष ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जो नंबर दिया गया था टीवी पे उस नंबर को मिलाया। और जैसे ही रिंग हुई और सामने से किसी ने फ़ोन उठाया तो आशीष ने कहा, हेलो हेलो, हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर मुझे टीवी स्क्रीन पे दिखा था जब वो महान साइंटिस्ट विक्रम जी हमें बता रहे थे महामारी के बारे में। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के पड़ोस में एक आदमी है जिसे यही सब सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, उसकी आंखों से लाल खून निकल रहा है और वो खांसे जा रहा है। और जब आशीष ने ये सारी बातें बोली तो सामने से आवाज़ आई, आप अपना एड्रेस बताइए, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। और जब आशीष ने यह बात सुनी तो उसने अपना एड्रेस बताया और कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई और उसे गाड़ी से कई सारे सूट पहने हुए लोग निकले। और उन सूट पहने लोगों में से एक बंदे ने पूछा, कौन सा घर है? और फिर आशीष ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो वाला घर है। और फिर वो सारे जो लोग थे जिन्होंने सूट पहन रखे थे वो सारे उस घर के अंदर घुसे और अंदर का नज़ारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि वो जो आदमी था उसने अपने आप को खाना शुरू कर दिया था, उसने अपना पूरा एक हाथ खा लिया था, उसका पूरा जो मुंह था वो खून से सना हुआ था, उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे और वो पागलों की तरह हंस रहा था और अपने हाथ को ही खा रहा था। और फिर उन लोगों में से एक आदमी बाहर आया और उसने एक बंदूक निकाली और उस आदमखोर बन चुके आदमी को मार दिया और उस आदमी की वहीं मौत हो गई। उसकी लाश को पैक करके वहां से गाड़ी में बंद करके ले जाया गया और जाते जाते वो आदमी बोल कर गया, सर मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी लेकिन ये बचाने की हालत में नहीं था, इसका मरना ही ठीक था, मैंने इनको शूट कर दिया, मैंने मार दिया इनको और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर से बहुत दूर रहें, हो सकता है ये इन्फेक्टेड हो गया हो ये घर, और मैं इसको पूरा सैनिटाइज करवा दूंगा, लेकिन भलाई इसी में है कि आप इस घर से दूर रहें। जिसके जवाब में आशीष ने हाँ में सर हिलाया। और फिर आशीष ने अपनी वाइफ से कहा, सुना ना इन्होंने क्या कहा, बालकनी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर के अंदर ही रहना, समझी? जिसके जवाब में आशीष की वाइफ ने हाँ में सर हिलाया। धीरे धीरे शाम हुई और आशीष ने अपनी वाइफ से कहा, और बताओ जाने मन क्या बना रही हो खाने में आज? और फिर आशीष की वाइफ ने कहा, अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चावल ख़त्म हो गए हैं, राशन भी ख़त्म ही हो गया लगभग, लाना पड़ेगा। और फिर आशीष ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। और आशीष ये कहकर अपनी बाइक पर सुपरमार्केट की ओर बढ़ गया। सुपरमार्केट में जाते ही उसने देखा कि कई सारे लोग खाना ले रहे थे, खाने का सामान लेने की होड़ मची हुई थी, हर कोई जितना हो सके उतने खाने को ले रहा था क्योंकि सबको पता था कि महामारी फैल चुकी है
और इस बात का कोई पता नहीं है कि वो कब तक चलेगी, इसलिए हर कोई अपने खाने का बंदोबस्त कर रहा था। फिर आशीष ने भी ढेर सारा खाने का सामान और राशन ले लिया, और राशन लेने के बाद और जब उसने काउंटर पर पेमेंट कर दिया और सामान लेकर सुपरमार्केट से बाहर जा ही रहा था, तभी उसने ध्यान दिया कि बिलिंग काउंटर पर बैठा हुआ बंदा है वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है और आशीष उसे ही घूरने लगा। आशीष जब उस आदमी को घूर रहा था तब उस सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने आशीष से पूछा, क्या हुआ सर? और फिर आशीष ने कहा, कुछ नहीं मत कहो, उस आदमी को देखो जो बिल बना रहा है। और जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस आदमी को देखा तब उसने महसूस किया कि वो जो बिल बनाने वाला आदमी है उसके हाथ कपकपा रहे हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें जो हैं वो लाल होने लगी और उसकी आंखों से लाल खून बहने लगा। आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, सब दूर हटो इससे, ये इन्फेक्टेड हो गया है। और जब लोगों ने ये चीख सुनी तब सब के सब वहाँ से भागने लगे, और जैसे ही लोग भागने लगे तब उस बिल बनाने वाले आदमी ने अपना आपा खो दिया और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और अजीब अजीब हरकतें करता हुआ उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में बंदूक थी, उसने बिना किसी देरी के उस आदमी को शूट कर दिया, लेकिन वो जो भयानक मंजर था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। हो सकता था कि वहाँ जितने भी मॉल में आदमी थे वो इन्फेक्टेड हो गए हों या कुछ हो गए हों, कोई भरोसा नहीं था। हो सकता था कि अगर उसमें से एक भी इन्फेक्टेड होता तो वो पूरा वायरस पता नहीं कहाँ कहाँ फैल जाता। आशीष ने सभी को कहा, आप में से कोई भी अपने घर ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई इन्फेक्टेड हो गया हो। भलाई इसी में है कि आप सबसे पहले आप अपना चेकअप कराएं। सारे के सारे लोग अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए और आशीष ने भी अपना चेकअप कराया, और आशीष की बात बिल्कुल सही निकली। उसमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड थे, उनको तुरंत इलाज के लिए भेज दिया गया और जो नॉर्मल थे वो अपने अपने घर चले गए। आशीष सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा और सामान रखकर वो सोफे पर बैठ गया। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने काफ़ी भयानक मंजर देखा था। आशीष की वाइफ ने आशीष से पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या सुपरमार्केट में? जिसके बाद आशीष ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, वो जो बिल बनाने वाला बंदा था ना वो भी इन्फेक्टेड हो गया, अचानक से पागलों की तरह चिल्लाने लगा और लोगों पर हमला करने लगा। वो तो भला हो सिक्योरिटी गार्ड का, उसने बिना किसी देरी किए अपनी बंदूक से उसे शूट कर दिया, लेकिन पता नहीं इस वायरस से कब तक बच के रहेंगे हम। वो वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इंसान चलता फिरता वेंडिगो बन जाता है, आदमखोर बन जाता है। उसके मुंह से निकलता हुआ खून, उसकी आंखों से निकलता हुआ खून सिर्फ मौत ही देता है। बहुत ही ज़्यादा भयानक है ये वायरस। जिंदगी में पहली बार ऐसा वायरस सुना जो इंसान को वेंडिगो बना देता है। फिर आशीष की वाइफ ने कहा, अगर मैं वेंडिगो बन गई तो? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, तुम कैसे वेंडिगो बनोगी, तुम तो पहले से ही वेंडिगो, रोज मेरा खून जो पीती हो। और जब ये बात आशीष की वाइफ ने सुनी और जब आशीष की वाइफ ने बात सुनी तब उसने गुस्से में कहा, हाँ हाँ मैं ही तो तुम्हारा खून पीती हूँ, सारी मुसीबतों की जड़ मैं ही तो हूँ। और ये कहकर वो खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और आशीष हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मतलब खाना नहीं मिलेगा, भूखे पेट सोना पड़ेगा। वो वायरस धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल रहा था, कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे जिसकी वजह से वो आदमखोर बन रहे थे। जो भी उस वायरस की चपेट में आता वो आम इंसान को मार के खाने लगता। आशीष और उसकी वाइफ खाना खा के सो गए और सुबह सुबह जब वो उठे तब अचानक से किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा खटखटाते ही आशीष ने जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी तब आशीष दरवाजे के पास आया और आते आते ही कहा उसने, कौन है? जिसके जवाब में उस दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, पुलिस। और जब आशीष ने बात सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर पुलिस उसके घर क्यों आई है। फिर आशीष ने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा था, और फिर आशीष ने कहा, जी बोलिए सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जिसके जवाब में उस पुलिस वाले ने कहा, अपनी
जान देकर। और ये कहकर उस पुलिस वाले ने हमला कर दिया आशीष पे। आशीष जैसे तैसे उस हमले से बचा और पास में एक टेबल पे रखे हुए एक फ्लावर वास उसने उस पुलिस वाले के सर में दे मारा। और जब उस फ्लावर वास को उसने उस पुलिस वाले आदमी के सर पे दे मारा, तब वो आदमी, वो जो पुलिस वाला था, वो ज़मीन पर गिर के तड़पने लगा और उसकी आंखों से लाल खून बह रहा था और उसके मुंह से भी खून बह रहा था और वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। आशीष समझ चुका था कि वो पुलिस वाला भी इन्फेक्टेड है। उसने उस पुलिस वाले को लात मार के जैसे तैसे घर से बाहर निकाला। शोरगुल हुआ तब फिर आशीष की वाइफ भी आई और आशीष की वाइफ ने पूछा, क्या हो गया? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर रहो। और फिर आशीष की वाइफ ने कहा, आखिर हुआ क्या है? जिसके जवाब में फिर आशीष ने कहा, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, अभी अभी एक इन्फेक्टेड पुलिस वाला यहाँ आ गया था, मैंने उसे जैसे तैसे बाहर निकाल दिया, लेकिन हो सकता है मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ, मुझसे दूर रहो। और जब आशीष की वाइफ ने बात सुनी तब वो फूट फूट कर रोने लगी। और फिर आशीष की वाइफ ने कहा, अब क्या होगा? जिसके जवाब में आशीष ने कहा, कुछ भी हो तुम इस घर से बाहर मत निकलना। और ये कहकर आशीष उस घर से बाहर भाग गया और अपने फ़ोन को निकाल कर उसने उसी नंबर पर डायल किया और एक गाड़ी वहाँ पर आ गई। गाड़ी के आते ही आशीष ने उन लोगों को सारी बातें बताई। आशीष को उन लोगों ने अपने साथ गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठाकर उसे अपनी लैब में लेकर चले गए। उस लैब के अंदर आशीष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई और टेस्ट किए गए और टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला। आशीष ने हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा, लेकिन वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, आप नॉर्मल तो है लेकिन पता नहीं कब तक नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि शहर में वो वायरस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कोई उम्मीद नहीं है कि ये वायरस रुक पाएगा। हमारे पास अभी इसका कोई एंटीडोट नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन ही इस बीमारी से लड़ने का उपाय है। और ये कहते कहते उस साइंटिस्ट की आंखों से वही खून के आंसू बहने लगे और उसके मुंह से खून बहने लगा और वो चिल्ला पड़ा और चिल्लाते हुए उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा पाए इससे पहले ही वहाँ खड़े एक आदमी ने उस साइंटिस्ट को गोली मार दी और गोली मारते ही उस साइंटिस्ट के सर के चीथड़े उड़ गए और वो वहीं पर मर गया। उस इन्फेक्टेड साइंटिस्ट को पैक करके एक जगह पर जला दिया गया। और अब आशीष और भी ज़्यादा घबरा चुका था। आशीष जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। रात का वक्त था और सुनसान सड़कें थी। वो जैसे तैसे डरता हुआ अपने घर जा रहा था। घर जाते जाते उसने एक अंधेरी गली में एक बूढ़ी औरत को देखा और वो बूढ़ी औरत डस्टबिन के बगल में बैठी हुई थी। आशीष ने सोचा कि शायद उस बूढ़ी औरत को मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसने कहा, अम्मा क्या आपको मदद की ज़रूरत है? जिसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने हाँ में सर हिलाया और उसे हाथों से इशारा करके अपने पास बुलाया। और आशीष जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास गया, उस बूढ़ी औरत ने जब आशीष पे हमला किया तो आशीष काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो बूढ़ी औरत भी इन्फेक्टेड है। इसलिए उसने पास में ही रखे एक डस्टबिन को उठाकर उस बूढ़ी औरत के सर पे काफ़ी ज़ोर से मारा, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत नीचे गिर गई। लेकिन उसका पागलपना वहीं नहीं रुका, वो वापस खड़ी हुई और वापस से आशीष के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी। आशीष उससे बचकर भाग रहा था, लेकिन वह बूढ़ी औरत काफ़ी तेज़ी से आशीष का पीछा कर रही थी। आशीष काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक से वहाँ एक पुलिस वाला आ गया और उस पुलिस वाले ने उस बूढ़ी औरत के सर पे कई वार किए और वो बूढ़ी औरत वहीं मर गई। बूढ़ी औरत के मरने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने आशीष से कहा, क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में आशीष ने हाँ में सर हिलाया। और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने आशीष से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? और फिर आशीष ने कहा, मेरा घर यहाँ से तकरीबन 10 मिनट दूर है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है।
फिर आशीष ने उस पुलिस वाले को सैल्यूट किया और वो दोनों साथ में आशीष के घर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से कई सारे इन्फेक्टेड लोगों ने पुलिस वाले पे हमला कर दिया और आशीष पे भी, लेकिन पुलिस वाले के पास बंदूक थी जिसकी वजह से उसने वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन थे सबको शूट कर दिया और वो वहीं पर ढेर हो गए। लेकिन एक इन्फेक्टेड पर्सन ने उस पुलिस ऑफिसर के मुंह पे थूक दिया जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर भी कुछ ही मिनटों में इन्फेक्शन का शिकार हो गया और उसकी आंखें भी लाल हो गई और उसकी आंखों से खून और मुंह से खून निकलने लगा और उस पुलिस ऑफिसर ने हमला कर दिया फिर आशीष के ऊपर। आशीष अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा। घर के अंदर घुसने के बाद उसने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन उसकी वाइफ कोई जवाब नहीं दे रही थी। आशीष काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि आखिर उसकी वाइफ जवाब क्यों नहीं दे रही है। तब तक आशीष को एक आवाज़ आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके घर के दरवाजे पे काफ़ी कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। तभी किसी ने एक ज़ोरदार हमला उसके घर के दरवाजे पे किया और उसके घर का दरवाज़ा धड़ाम से टूट गया और दरवाज़ा तोड़ने वाला और कोई नहीं, वही इन्फेक्टेड पुलिस ऑफिसर था। वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर घुस गया और आशीष के पीछे पड़ गया। वो आशीष के ऊपर हमला करना चाहता था लेकिन आशीष जैसे तैसे बच रहा था। आशीष बचते हुए अपने घर के बेसमेंट में घुस गया जहाँ उसने देखा कि उसकी वाइफ एक कोने में बैठकर रो रही है। आशीष ने अपनी वाइफ से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में आशीष की वाइफ ने कुछ भी नहीं कहा और आशीष अपनी वाइफ के पास आया और उसने अपनी वाइफ से कहा, अरे हुआ क्या है, तुम ठीक तो हो? और फिर आशीष की वाइफ और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगी। तभी वो इन्फेक्टेड पुलिस वाला वहाँ पर आ गया और उस इन्फेक्टेड पुलिस वाले ने आशीष के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आशीष की वाइफ ने उस पुलिस वाले को जान से मार दिया और फिर पता चला कि आशीष की वाइफ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। आशीष की वाइफ की आंखों से लाल खून बह रहा था और वो पागलों की तरह रोते हुए कह रही थी आशीष को, यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, मैं इन्फेक्टेड हो गई हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं ज़्यादा देर अपने आप को रोक नहीं सकती, पता नहीं मुझे अंदर से क्या हो रहा है, कोई मुझे अंदर से कंट्रोल कर रहा है। आशीष ने जब ये सुना तब वो रोने लगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागा लेकिन रास्ते में ही उसके पैर रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर भागे कि नहीं भागे। आशीष की वाइफ रो रही थी, चिल्ला रही थी, आशीष से रहा नहीं किया। आशीष वापस से अपनी वाइफ के पास आया और उसने अपनी वाइफ से कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। जिसके जवाब में आशीष की वाइफ ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, या तो मुझे मरना पड़ेगा या तो मैं तुम्हें मार दूंगी, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। आशीष का दिल नहीं मान रहा था और वही हुआ जिसका डर था। आशीष की वाइफ ने अपने ऊपर से काबू खो दिया और आशीष की वाइफ भी पागल हो गई। उसने उस पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में जो गन थी उसको उठा लिया और वो आशीष को फायर करके मारने ही वाली थी। उससे पहले ही उसके हाथ अपने आप रुक गए और उसने रोते हुए अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी और आशीष को आई लव यू बोलकर उसने अपने आप को ही जान से मार दिया। आशीष ने जब ये देखा तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और आशीष की आंखों में भी खून के आंसू आने लगे थे। इसका मतलब आशीष भी इन्फेक्टेड हो गया था। आशीष के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी वाइफ को किस किया और किस करने के बाद उसी बंदूक से अपने आप को शूट कर लिया।